अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएमबी इंस्टीट्यूट। होपफुली यू आर फाइन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जॉब इश्यूज़ फॉर इंजीनियर्स। वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है और काइंडली वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और बहुत मेहनत से ये कंटेंट आपके लिए जो है वो बनाया जाता है। सो आज हम डिटेल में कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें मेन हमारा एक जो आज है टॉपिक जॉब इश्यूज़ है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों पर हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम इन चीज़ों को का जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो जॉब इश्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ सबसे पहले बात करूंगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। सेकंडली बात करूंगा कि किस तरह से आप अपनी कैटेगरी, अपनी इंजीनियरिंग के हिसाब से जॉब को सर्च कर सकते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट साइट्स को जो है वो विजिट कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली जिनको हम यूज़ करते हुए ऑथेंटिक जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, और किस तरह से हम डिफरेंट कंपनीज के पोर्टल जो होते हैं, जॉब पोर्टल्स होते हैं, जो मतलब डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, तो उनकी वेबसाइट्स को जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे किस तरह से हम जॉब को सर्च कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि जब आप फ्रेश होते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि काइंडली आप कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जिनको आप इंटरनेट पर सर्च करते रहा करें, लाइक अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप डिफरेंट कंपनीज में, लाइक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, तो आप उसके रेलिवेंट किसी इंडस्ट्री को विजिट करें और वहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, या उस कंपनी के, अब यहाँ पे अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो उसमें आप उसके अगर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैरियर्स का। तो कैरियर्स पे जब जाएंगे आप तो वहाँ पे तमाम वो वैकेंसीज या इंटर्नशिप जो करंटली अवेलेबल होती हैं या उनके रेलिवेंट जो अपडेट्स होती हैं, वहाँ पे कैरियर्स का जो ऑप्शन होता है तो वहाँ पे वो अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे आपको एचआर के ईमेल भी मिल जाएगा, आप उस कंपनी के एचआर को जो है वो अपना ईमेल कर सकते हैं, सीवी ईमेल कर सकते हैं। तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है कि आपने किस तरह से इंटर्नशिप को, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप डिफरेंट ग्रुप्स और पेजेस होते हैं, लाइक फेसबुक इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, उसको आप यूज कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिंक्डइन। यहाँ पे आप इसके साथ जो है वो टच में रहा करें, इंगेज रहा करें, ताकि आप वहाँ से बेहतरीन अपडेट्स जो है वो गेन कर सकें, और वहाँ पे डिफरेंट पेजेस जो कि इंटर्नशिप और जॉब्स के वाले से होते हैं उनको आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन किया करें और पेजेस को लाइक किया करें। ये तो बात है फ्रेश ग्रेजुएट्स की। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग किया करें। इसका कंप्लीट वीडियो सेशन मैंने रिकॉर्ड किया है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी फील्ड के, लाइक अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आपने ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आप किस तरह से अपनी फील्ड के लोगों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे कुछ टिप्स ले सकते हैं, उनसे कोई ऑथेंटिक कुछ चीज़ें सीख सकते हैं जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सेकंड, हम बात अब करेंगे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि किस तरह से हम सर्च इंजन मीन गूगल क्रोम या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं लाइक नाउ 2020 ईयर, तो आप 2020 में सर्च कर लें जॉब्स, नो मैटर यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यूएई, इंडिया, केएसए एंड फ्रॉम एनीवेयर, जो लोग इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं और मुझे सुन रहे हैं, जॉब इश्यूज हर जगह पे होते हैं, तो आप उस चीज़ को करंटली जो टाइम चल रहा है, जो मंथ चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, उसके रेलिवेंट आप जो है वो सर्च करें वहाँ पे अपनी फील्ड के रेलिवेंट, तो आपको जो है लाइक मैं इसका भी प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए आप इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सर्च किया करें।
अब वहां पे जब आपको बेहतरीन कुछ साइट्स मिलेंगी, जब आप उन साइट्स को विजिट करेंगे, तो वहां पे आप अपना एक अच्छा प्रोफाइल बना लें, लाइक आप वहां पे अपनी सीवी को जो है वो सीवी या रिज्यूम जो है जिसे हम बोलते हैं वो आप सबमिट वहाँ पे करवा दें, तो आपकी जॉब के जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ना सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बल्कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं जो जॉबलेस हैं, तो वो भी इस चीज़ को बेहतर तौर पे प्रोफेशनल नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है। और सेकंडली, अगर लिंक्डइन पे आप डेली बेसिस पे इंगेज रहते हैं, आप उसे यूज़ करते हैं फॉर 10 मिनट और 20 मिनट आप डेली उसे ओपन करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो जॉब की मिलती रहेंगी। तो फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं वो अगेन बार बार मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज़्यादा जॉब के इश्यूज़ होते हैं, तो वो कोशिश किया करें कि आप स्टार्ट में इंटर्नशिप करें। कुछ कुछ टाइम के लिए आपको कोई पे तो नहीं करेगा, लेकिन आपको वहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आपको नॉलेज बहुत मिलेगा, वहाँ से आपको एटलीस्ट जो है वो एक्सपीरियंस वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए टिप है। कंपनी के पोर्टल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने, और एक और चीज़, आपने अपनी कंट्री और सिटी के लिहाज से आप लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएई में बैठे हुए हैं तो आप सर्च करें कि हाउ मच कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन यूएई एंड डिफरेंट टॉप 20, ये अब कीवर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, टॉप 20 कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन यूएई, टॉप 20 कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन पाकिस्तान, टॉप 20 कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया। तो इन चीज़ों को आप सर्च कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आप जब सर्च करेंगे तो उन कंपनीज के नेम आ जाएंगे, कोई ना कोई साइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी, उस साइट के पोर्टल पे आप जाएं और हर एक कंपनी के जाके आप जो है वहाँ पे बताया, जैसे मैंने आपको कैरियर है तो कैरियर्स पे जब आप जाएंगे वहाँ पे इंटर्नशिप और जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। कोशिश किया करें जो अथेंटिक अथेंटिक साइट्स हैं, नो मैटर ऑन फेसबुक, ऑन लिंक्डइन, ऑन एनीवेयर, ऑन एनी प्लेटफॉर्म, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पे उन चीज़ों को लाइक किया करें, ज्वाइन किया करें। और सबसे बढ़कर आप फेसबुक पे डिफरेंट कंपनीज के नेम सर्च करें, उनके पेजेस को सर्च करें, करेंगे जब पेजेस को सर्च करेंगे उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करें, और जब आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे और जब आप पेजेस को लाइक करेंगे और वहां से आप उनकी साइट पे जा सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को हम कुछ चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम जॉब इशूज़ पे ओवरकम कर सकते हैं। आई नो देयर इज अ लॉट्स ऑफ जॉब इशूज, जॉब के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, हमने उनका सोल्यूशन फाइंड करना है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। कोशिश क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के बारे में सर्च करें, जब एटलीस्ट आपको कंपनीज के बारे में पता होगा तो आपको जॉब हासिल करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखें, अब जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है या एक प्रोफेशनल है वो जॉबलेस है, अब उसे बहुत ज़्यादा कंपनीज के बारे में नहीं पता, तो एंड टाइम पॉसिबल है कि कोई आपको आके बोले कि आप जॉब करें? नहीं, आपको खुद कंपनीज को सर्च करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट जॉब पोर्टल जो है उनको सर्च करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, हमारा काम स्ट्रगल करना है, एंड वी होप व्हेन वी डू गुड वी गेन अ गुड इन फीडबैक। हम जब अच्छा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसके रिवार्ड में अच्छा ही मिलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो ये आपने हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और काइंडली रिक्वेस्ट है बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैनी थैंक्स।